बहनों और बेटियों, दादी माँ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दादी माँ के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले। तो मैं काट के करेले बना रही हूँ। तो मैंने इनको 2 घंटे पहले काट के इनको नमक लगा के रख दिया था। मैंने अब इनको अच्छी तरह धो लिया, इनके सारे बीज निकाल दिए। इसमें मेरे को है ना 1/2 किलो करेले में कम से कम 300 ग्राम प्याज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने प्याज भी काट लिए, इसमें मैंने 2 केरी काट ली। तो मैं सबसे पहले है ना प्याज अपने करेले तलूंगी। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, तेल मैंने डाल दिया। मैं तो तेल में बनाती हूँ, आपको जो चीज़ अच्छी लगा उसमें बना सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर करेले की सब्जी है ना सरसों के तेल में ही स्वाद बनती है। सबसे पहले मैं करेले तलूंगी। जैसे कि नमक मैंने पहले ही लगाया था, तो नमक मैं इसमें थोड़े ही डालूंगी। नमक तो 1/4 चम्मच में नमक का डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और 1/2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी है ना पकने के बाकी मसाले में सारे बाद में डालूंगी। कि अगर बाकी मसाले डाल जाएंगे तो मसाले सारे जल जाएंगे इसमें। और जो मैंने 2 केरी काटी थी बारीक बारीक, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अब इसको सिम गैस करके मैं तलूंगी। तो आप जैसे दिख रहे हैं करेले हमारे जैसे थोड़े थोड़े पक गए हैं। ये पक गए करेले। अब करेले है ना खुली गैस पे मैं इनको तलूंगी, अब इनको झांकूंगी नहीं। तो मैं इसमें अब डालूंगी मैं एक चम्मच मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। मैं डालूंगी 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई सौंफ। सौंफ के बगैर करेले अच्छे नहीं बनते। कभी आप बनाओ सौंफ जरूर डालना करेलों में। थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, रंगत ज्यादा नहीं। अब मैं इनको फुल गैस में पकाऊंगी, तलूंगी। अब
करेले हमारे तल चुके बिल्कुल करके हैं, ये देखो। अब मैं सिम को थोड़ी कम करूंगी, गैस कम कर दूंगी, करेले निकालूंगी इसमें से। ऐसे निकालना, इसका तेल है ना कढ़ाई में रह जाए, ऐसे करते हैं ना। चार कलियां लहसुन की काटी वो इसमें डालूंगी, दो मिर्च काटी है मैंने वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब जो कटे हुए प्याज हैं मैंने काटे हैं वो इसी में डाल। अब ये प्याज भी मैं थोड़ी धीमी आंच पर फेंकूंगी इसको, तेज। अगर हमारी वीडियो पे आप नए हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में लिख के जरूर बताना कि दादी माँ का हुनर आपको कैसा लगा। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली नई वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँचेगी। मैंने गैस सिम कर दी है और सिम गैस पे इसको पकाएंगे, जैसे मैंने करेले सिम गैस पे पकाए थे बाद में तले, ऐसे ही इसको सिम गैस करके पकाऊंगी। जब ये थोड़े नरम हो जाएंगे उसके बाद में मैं इनको तेज गैस पक चुके हैं। अब मैं गैस थोड़ी तेज कर दी है तो है ना, इसको तेज गैस पे तलूंगी तो ये सारे अच्छी तरीके से तले जाएंगे, इसका पानी है ना जल जाएगा और अच्छी तरीके से ये लच्छे बन जाएंगे इसके। एक एक लच्छा बन जाएगा इसका, ये है ना, एक एक लच्छा आ जाएगा ये। इसको तेज गैस पे है ना मैं तल रही हूँ, दो से तीन मिनट और लगेंगे तलने में। कभी करेले बनाओ, करेले हैं पहले सिम गैस पे रखो जो कि करेले पक जाएं। अगर तेज गैस रखोगे करेले जल जाएंगे। जिस तरीका से अपने करेले तलेंगे उसी तरीका से अपने प्याज को तलना है। जब प्याज अपने पक जाते हैं उसके बाद अपने गैस पूरी फुल गैस करके उसको तलती है तो फिर है ना अच्छी तरह तला जाता प्याज। जैसे अपने करेले तले वैसे ही अपने प्याज तल गया। प्याज हमारे तल चुके तो इसी में अब मैं मिक्स करूँगी करेले। अब करेले और प्याज दोनों मिक्स कर देंगे। कभी करेले बनाओ इसी तरीके से बनाना, बहुत अच्छे बनते हैं और कड़वे बिल्कुल नहीं होते हैं। और बना के जरूर बताना दादी माँ को कि दादी माँ का हुनर आपको कैसा लगा, एक बार ट्राई जरूर करना। तो हमारे प्याज और करेले की रेसिपी बनके तैयार हो गई, ठीक है। चाहे आप तंदूर की रोटी हो तो और ज़्यादा स्वाद लगती है, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा आता है। वैसे अपने चपाती के साथ में भी स्वाद लगता है, ठीक। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। नमस्कार, थैंक यू। आने वाली वीडियो आप तक फिर पहुँच जल्दी पहुँचे।